आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फिरोज हुआ। कौन सा इलाका है ये? पूर्णिया जिला अमौर थाना। पंचायत? पंचायत मझवाहा हाट। गांव अंदरपुर। ये क्या मुड़ी का फैक्ट्री है ये? हाँ, ये मुड़ी का फैक्ट्री है। कब लगाए हैं ये? कितने साल पहले? एक आध महीना पहले लगाया गया। एक महीना? हाँ। क्या खर्चा पड़ता है इसको लगाने में? खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख? जी। ये अपने पैसे से लगाया ना, सरकारी कोई मदद नहीं? ये अपने पैसे से लगाया गया है, अपना इन्वेस्टमेंट। हाँ। तो मशीन का खर्चा बस 2-2.5 लाख? हाँ, मशीन का प्लस और सब चीज का 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा। पूरा बना उना के 2-2.5 लाख? हाँ नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है, घर का अलग से। और इसमें क्या लोग ला के देते हैं चावल वाल मुड़ी बनाने के लिए? आप मुड़ी बना? ग्रामीण लोग भी ला के देते हैं, अपना चावल लाते हैं, खरीद करके मार्केट बेचते हैं। क्या रेट लगता है मुड़ी बनाने का? मुरी बनाने का वैसे हम लोगों को 50 रुपये लगता है। क्या? 50-52 रुपये केजी पड़ता है हम लोगों को। अच्छा। और वही मुरी बेचते हैं ना 50 रुपये किलो? हाँ, 50 रुपये किलो बना के बेचते हैं। हाँ, बना के। अब जैसे 1 किलो कोई चावल ला के दिया तो उसको मुरी भुनने में उसका कितना रुपया लेंगे आप? क्या चार्ज? मात्र 10 रुपये लगेगा। 1 किलो पर केजी? पर केजी। आ जाते उतना लोग मुरी करवाने? हाँ, आ जाते हैं। 60-70 केजी? 60-70 केजी डेली? हाँ, डेली। अपना भी आप बना बना के मार्केट में? अपना भी कुछ देते हैं, मिला जुला के भाई 500-700 रुपये का हिसाब किताब बनता है। खर्चा कर करके 500 रुपये मजदूरी निकल जाता है। आप अकेले इसमें काम करते हैं? नहीं, 2 आदमी करते हैं हम लोग। और आदमी रखे हैं? हाँ, एक लेबर भी है। और तो और है इधर मुड़ी का फैक्ट्री इलाके में? हाँ, और भी है। कितना होगा? हाँ, मैक्सिमम 3-4 होगा जो है इस इलाके में। हाँ, 4। ये सब कहाँ से खरीदते हैं? लोकल में मिल जाता है ना, बाहर से आता है? नहीं नहीं, सब लोकल में मिल जाता है। मिल जाता है? हाँ। तो वैसे भी आसान ही है ना। हाँ, किशनगंज साइड में मिल जाता है सब चीज़। हाँ। क्या क्या इसमें? ये बिजली से चलता है ना? ये बिजली से चलती है, प्लस ईंधन भी लगता है इसमें, लकड़ी वगैरह। लकड़ी चूल्हा के लिए? हाँ, चूल्हा के लिए लकड़ी। और घुमाने के लिए मतलब वो मोटर नीचे। आप इसमें लकड़ी भी दे रहे हैं इधर से? हाँ, इधर से लकड़ी देते हैं हम लोग। लकड़ी का काम गर्म करने का है। अच्छा। और मोटर का काम घुमाने का है। ये चार जगह क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है बताइए थोड़ा। गरम होता है चावल, कहीं हल्का गरम है, उससे फिर थोड़ा सा तेज और गरम है। अच्छा। तीसरे में आके फुल गरम है। अच्छा। चौथे में आके मुड़ी बनता है। अच्छा, तो एक एक में चेंज करते रहते? हाँ, ट्रांसफर होता है पहले से लाके दूसरे में, दूसरे से दूसरे से लाके तीसरे में, चौथे में मुड़ी बनता है। हाँ, चौथे में मुड़ी बनता है। पहले जो लोग घरों में मुड़ी बनाते थे वो क्या खत्म हो रहा है? हाँ, आहिस्ते आहिस्ते ये लोग आराम परस्त बन गए और सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहता है। हाँ, नहीं भून पाती है, कभी ईंधन बढ़िया नहीं मिलता है, कभी कुछ है, गर्मी का मौसम है, उससे बढ़िया लेबर जॉब ही करा लेती है वो लोग। जो पहले मिट्टी के बर्तनों में, जो बड़े मिट्टी के बर्तनों में करते थे लोग, पहले भुनाते थोड़ा सा तोड़ के साइड में भुनते थे। पहले तो आटा चक्की भी चलता था घर में अपने हाथ से, अब तो वो भी नहीं हो रहा, चक्की बन गई है। तो लागत आपका निकल गया 3 महीने में? नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ, कि क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, अब ये 2-3 महीने जो चला है कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने में कितना लगभग बचत हो जाएगा? बचत तो हमको बचत नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, अभी बचत नहीं नज़र? बचत कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, चूँकि अभी काम थोड़ा सा कम है, प्लस वो है कि मार्जिन बहुत कम है इसमें। 2 से 2.5 रुपये पैकेट में हम लोगों को बचता है, और दिन भर अगर 400 पैकेट बनाते हैं तब जाकर के 1000 रुपये होता है। फिर लकड़ी का काट करके, बिजली का काट करके, वही 300-400 यही बचता है हम लोगों को। मुड़ी का सप्लाई आसपास के दुकानों में ही करते हैं या बड़े बाजारों में भी जा रहा है? नहीं, जहाँ के लोग भी ले लेते हैं, जैसे बड़े मार्केट हैं, कस्बा वगैरह, अगर वहाँ का दुकानदार आता है उसको भी देते हैं। ग्रामीण कोई है छोटी मोटी मार्केट चौक चौराहा, वहाँ से लेता है तो उन लोगों को भी देते हैं। फुटकर वाले आते हैं गाँव समाज से, वो लोग भी ले जाते हैं। शादी वादी के मौके पर खास ऑर्डर होता है कि बढ़िया वाला चावल का 10 केजी 20 केजी 15 केजी जो भी चाहिए उनको, तो वो बनाया जाता है उसके लिए।